कंसोर्सिंग। 1 मार्च से लगेगा आम जनता को कोरोना का टीका। 1 मार्च 2021 सोमवार से केंद्र व राज्य शासन द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन का टीका आम जनता को लगने जा रहा है। इसकी विधिवत शुरुआत 1 मार्च 2021 से प्रातः 10:30 बजे से प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के एल राठौर द्वारा बताया गया कि 1 मार्च से कोविड टीकाकरण 2.0 की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि यह टीकाकरण का दूसरा चरण है जिसमें 60 वर्ष की समस्त आम जनता को कोविड का टीका लगाया जाएगा। उसके लिए सरकार द्वारा पंजीयन की सुविधा ऑनलाइन की गई है, जो कि कोविड 19 एवं आरोग्य सेतु ऐप से अपने समय के अनुसार स्लॉट बुक कर टीका अपने निकटस्थ टीकाकरण केंद्र पर लगवा सकते हैं। जो व्यक्ति स्लॉट बुक करने में सक्षम नहीं है वह सीधा निकट टीकाकरण केंद्र में जाकर आधार कार्ड एवं अपनी फोटो आईडी ले जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण प्रति सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार को प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन पंजीयन एवं ऑफलाइन टीका लगाने की संख्या प्रतिदिन निर्धारित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि दिनांक 3 मार्च 2021 से हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्कर का द्वितीय डोज भी साथ साथ लगाया जाएगा एवं जो हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्कर टीकाकरण से छूट गए हैं एवं जिनका पंजीयन नहीं हो पाया है वह भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कोविड 19 टीकाकरण जिला अस्पताल, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी लगाए जाएंगे। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के एल राठौर ने आम जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति कोविड टीका अपने निकटस्थ टीकाकरण केंद्र में लगावें। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।